आपने अपने स्कूल में एनसीईआरटी की किताबों में पढ़ा होगा कि औरंगजेब ने कैसे मंदिर बनवाने के लिए ग्रांट दी, लेकिन उसमें कितना सच है कितना नहीं हम पहले भी बात कर चुके हैं। चलिए एक अलग विषय छोड़ते हैं, आज के विषय पर आते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे राजा के बारे में और कम्युनिस्टों के द्वारा एक ऐसे राजा के बारे में जिसको न जाने क्या दिखाया गया है और जिसका झूठा इतिहास आपको बताया गया है। अगर इसे इतिहास का सबसे डरपोक सबसे कायर राजा भी कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। क्या आपको पता है कि महाराणा प्रताप के पिताजी का नाम क्या था? चलिए छोड़िए, महाराजा सूरजमल जी के पिताजी का नाम बताइए। छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में ही बता दीजिए। इन सब का नाम आपको नहीं पता होगा, लेकिन आपको पता है कि बाबर, उसका बेटा हुमायूं, अकबर, औरंगजेब और ये पूरी वंशावली आपको पता है। कुछ अजीब नहीं लगता? जिसने आपके देश पर आक्रमण किया, जिन्होंने, उनके बारे में तो आप सब कुछ जानते हैं, उसके बेटे कितने, बाप कितने, पोते कितने, पड़पोते कितने, लेकिन जिन्होंने आपके देश में आपके धर्म की रक्षा की, आपको उनके बारे में कुछ नहीं पता। आज एक बार बात कर लेते हैं ऐसे ही आक्रमणकारी की जिसे इतिहास का सबसे डरपोक राजा बताया जाता है। आपने कम्युनिस्टों के द्वारा देखा होगा कि उन्होंने कैसे आक्रमणकारियों के बारे में लिखा है, अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। ऐसे ही हुमायूं के बारे में भी लिखी है। हुमायूं का पिता बाबर था और बाबर उस समय दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। 1508 में हुमायूं का जन्म होता है और 1556 में हुमायूं की मौत होती है। इस बीच जो हुमायूं की उम्र है वो 48 साल है। 48 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई थी। तो एक बार हम स्टेप वाइज देख लेते हैं कि उसने अपने 48 साल की उम्र में किया क्या। 1508 में जब वो पैदा हुआ तो 1530 तक उसका लालन पालन चला और 1530 में वो अपने पिता की गद्दी पर बैठा, दिल्ली को उसने संभाला। इसका मतलब 1508 से 1530 तक उसने ऐसा कुछ खास किया नहीं, सिर्फ अपने पिता अपने शहंशाह के दरबार में आता, आराम से बैठता, और पिता तो शहंशाह है ही, राजा है ही, तो उसे क्या करने की जरूरत है। 1530 में उनकी गद्दी पर बैठा। 1530 से लेकर 1539 तक इतिहास में आपको हुमायूं के बारे में शायद ही कुछ पढ़ने को मिले। यहां पर यह ध्यान दे लीजिएगा कि 1530 से 1556 सिर्फ 26 वर्ष हुमायूं की आयु के बच जाते हैं जब तक वो जिंदा रहा। तो इन 26 साल में देख लेते हैं उसने क्या किया। 1530 से 1539 के बीच में आपको कुछ उसका इतिहास नहीं मिलेगा। फिर 1539 में एक बार आपको पढ़ने को मिलेगा कि एक बैटल ऑफ चौसा होती है, चौसा का युद्ध होता है। उसमें हुमायूं युद्ध का मैदान ऐसे छोड़कर भागा था जैसे कोई ओलंपिक की रेस हो रही हो, अपने सेना के अधिकारियों को, अपने सैनिकों को इस तरीके से छोड़कर वो भागा कि अगर ओलंपिक की रेस हो रही होती तो उसे गोल्ड मेडल जरूर मिल जाता। इसके बाद 1540 आता है। 1540 में एक और युद्ध होता है शेरशाह सूरी के साथ और ये थी बैटल ऑफ कन्नौज, कन्नौज का युद्ध। फिर एक बार यही हुआ कि हुमायूं ने इस युद्ध में भी ओलंपिक का गोल्ड मेडल दौड़ने में जीत ही लिया। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को बुरी तरीके से हराया और वो युद्ध का मैदान छोड़कर भाग गया। कन्नौज से वो आगरा पहुंचा, आगरा तक शेरशाह सूरी ने उसका पीछा किया, उसके बाद वो आगरा से भी भाग गया। उसके बाद हुमायूं ने 1540 से लेकर 1555 तक 15 साल निर्वासित जीवन जिया, इधर उधर भटकता रहा। उसके पास कोई घर नहीं था, खाने पीने के भी लाले थे इस मुगलिया सुल्तान के पास, जिसे इतिहास में आपको न जाने क्या बताया गया। 1555 में उसने जैसे तैसे करके गद्दी को संभाला और सिर्फ एक साल राज किया। वो राज भी ऐसे किया कि जिन क्षेत्रों को उसने जीता वहां पर न कभी कर लेने गया और चुपचाप अपने दरबार में बैठा रहा। 1556 में ये मुगलिया सुल्तान, ये आक्रमणकारी, ये लुटेरा, इसकी मौत हो जाती है।
तो इसमें कहां आपको वीरता या कहां आपको ऐसा कुछ देखने को मिल गया जो आपको इतिहास में पढ़ने की जरूरत है। मुझे लगता है इसका इतिहास 4 लाइन से ज्यादा नहीं होना चाहिए या ज्यादा से ज्यादा 1 पेज से नहीं होना चाहिए, 1 पेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बैटल ऑफ कन्नौज वो इसने हारी, बैटल ऑफ चौसा वो इसने हारी, इसके अलावा कोई युद्ध इसने जीता नहीं। 1555 से लेकर 1556 एक साल के लिए इसने राज किया, तो फिर कौन सा इतिहास? आप ये बताइए कि टीपू सुल्तान को 17 से ज्यादा बार हराने वाले सनातनी वीर योद्धाओं का क्या नाम है? आपको नहीं पता होगा, अगर किसी को पता है तो बता दीजिएगा कमेंट करके, इस पर भी मैं अलग से एक वीडियो में बात करूंगा। क्या आपको पता है कि नॉर्थ ईस्ट, जो आज का नॉर्थ ईस्ट है, आसाम है, उसमें 800 साल तक राज करने वाले लचित बुरफुकान की कम्युनिटी का क्या नाम है? नहीं पता होगा। आपको पता होना चाहिए कि लचित बुरफुकान ने मुगलिया सल्तनत को 1-2 बार नहीं, न जाने कितनी बार हराया। उसने औरंगजेब का, भारत का, गजवाए हिंद का सपना कभी पूरा नहीं होने दिया। आपको पता होना चाहिए कि जब आपको ये पढ़ाया जाता है कि भारत पर तो मुगलिया सल्तनत का राज था 800 साल, तो महाराजा छत्रसाल कौन थे, वो कहाँ लड़ रहे थे, महाराजा सूरजमल का अधिपत्य कहाँ कहाँ था, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप और न जाने ऐसे कितने वीर योद्धा हैं। आपको ये सब पता होना चाहिए, लेकिन इसके 2 कारण हैं। एक तो आपने अपनी शिक्षा को कम्युनिस्टों के हाथों में दे दिया, और दूसरा आप इतिहास में रुचि नहीं रखते, क्योंकि अगर आप रखते तो आपको इन सब के बारे में पता होता। मॉडर्न इंडिया पर अनटोल्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया के नाम से प्लेलिस्ट है, अगर आपको थोड़ी सी भी ये हो कि हमें अपना इतिहास पता होना चाहिए, अगर ऐसी जरूरत महसूस होती हो, तो आप उसको खोल सकते हैं और ऐसे योद्धाओं के बारे में जान सकते हैं जिन्होंने सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। और आज के बाद हुमायूं को सुल्तान कहना बंद करे, वो इतिहास का सबसे डरपोक और कायर राजा कहेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद।